कहते हैं वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, और ये बात 100% सत्य है कि वक्त कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर आप बैठे हैं कि मेरा दिन आएगा, मेरा वक्त आएगा, तो हम ये करेंगे, ऐसे अपने जीवन को मॉडिफाई करेंगे, हम अपने जीवन को एक ऐसे मूड पे लेकर जाएंगे, बस मेरा वक्त अभी अच्छा नहीं है, मेरा वक्त आने वाला है, जिस दिन मेरा वक्त अच्छा होगा उस दिन मैं इतना पैसा कमा लूंगा, ये कर लूंगा, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भ्रम है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, भले आप वक्त का इंतजार करें। साल अब ये खत्म होने वाला है, महज आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 30 तारीख को, 31 तारीख आएगा और 1 जनवरी आ जाएगा और 2024 हो जाएगा। आपने कभी ये सोचा कि जैसे ही 2021 बीता, 2022 बीता, अब 2023 बीतने वाला है, आपने 2023 में क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, आपने क्या गलतियां की और क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, क्या इंप्रूव करने चाहिए था और किस चीज की वजह से आपकी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ मिलता, क्या आपने वो हर एक चीज की, आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि इंसान की उम्र अब बढ़ रही है, मतलब कि जब इंसान 12 साल का लड़का होता है, 13 साल का होता है, 18 साल होता है, 25 साल होता है, तो लोग उस वक्त क्या बोलते हैं ना कि इसकी अभी जवानी चढ़ रही है, इसका अभी उम्र आ रहा है, इसका उम्र बढ़ रहा है। और फिर एक दिन वक्त आता है कि वही इंसान बोलता है कि अब इसका उम्र घट रहा है, इसका उम्र अब ढल रहा है, अब इसके पास बहुत दिन समय नहीं है। लेकिन वही चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक जो साल होता है ना, ईयर होता है, ये हर साल ऐसे ही बदलते जाता है। यही साल आज आपको किसी के मुंह से ये कहलवाएगा कि इसका उम्र बढ़ रहा है, और एक दिन यही साल आएगा जिस दिन वही लोग कहेंगे कि इसका उम्र अब ढल रहा है। लेकिन कभी ये लोग नहीं बोलेंगे कि ये साल पुराना हो गया, ये साल का उम्र घट गया, इस साल में ज्यादा दिन हो गया, इस साल में ये हो गया, वो हो गया, ये सब बातें नहीं होंगी। कई बार होता है कि हर साल कुछ ना कुछ गलत सही होते रहता है, वैसे ही इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ गलत सही होते रहता है। लेकिन इंसान की एग्जिस्टेंस तभी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अपने माइंडसेट्स को बढ़ाए, अपने विचार को बढ़ाए, अपने इनकम को बढ़ाए, और जैसे जैसे जब 50 साल के बाद से उम्र घटने लगती है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग उस वक्त पछताते हैं कि मैंने 40 की उम्र में अगर ये किया होता तो आज मेरे लाइफ में सुख होता, काश मैं अपने बाल बच्चों के साथ ऐसा किया होता तो आज मेरे बाल बच्चे बहुत अच्छा खासा पोजीशन पे होते, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते। लेकिन जो इंसान 40 की उम्र में, 30 की उम्र में बस यूं ही अपने आप को बर्बाद कर देता है, उसको कभी 50 की उम्र में, 60 की उम्र में सुख कभी नहीं मिल सकता है। वो अपने परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पाया कि उसका परिवार उस वक्त उसके साथ वैसे खड़ा हो जैसे कि पैसे की जरूरत हो, शोहरत की जरूरत हो, कभी किसी के सामने मतलब हेल्प अगर किसी को करना है तो उसके लिए वो खड़ा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2023 में आपने जो जो गलतियाँ की है उसको आप सुधारने की कोशिश नहीं, बल्कि कोशिश तो छोड़ दीजिए, सुधार ही लीजिएगा 2024 में अगर लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों, आप जैसे जैसे सोचते हैं कि हम कल करेंगे, हम कल अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, हम कल अपने दिमाग के लेवल पे ये कर लेंगे, हम कल ये पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा कल जीवन में कभी नहीं आने वाला है जब तक आज प्रेजेंट में आप अगर अपने लाइफ के लिए कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो। जब तक एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक आपके लाइफ में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। जब तक कहीं कुछ नहीं किया जाता है तब तक वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता है। एक चीज़ है मेरे लाइफ की कि मैंने अपने लाइफ में जो चीज़ सीखा है वही चीज़ मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। 2023 मेरे लाइफ का टॉफेस्ट ईयर कह सकते हैं, लेकिन कुछ साल कुछ इसमें दिन ऐसा था जिसमें दर्द था, आंखों में आंसू था और ब्लड और स्वेट में बस ऐसा लगता था कि साला कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना है, ये करना है, लेकिन सिचुएशन इतना बड़ा बड़ा कि इंसान को डल कर देता था, इंसान को बहुत मोलेस कर दे रहा था, इंसान फंस जा रहा था उसमें। लेकिन वो सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये सारा यहाँ मैटर करता है। आप जितना जल्दी समझ जाओगे आप अपने ज़िंदगी के उस खेल को, जो खेल में इंसान फंस जाता है और इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, जिस दिन आपने उस खेल को समझ लिया, जिस दिन आप उस खेल का कैप्टन बन गए, उस दिन आपको कोई हराने वाला फायदा ही नहीं हुआ है, ना ही कोई हरा पाएगा।
और जिस दिन आपको ये चीज की समझ आ जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। आप अगर अपने आप को नहीं समझा पाते हैं, अगर आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप से ड्रामा बनाते हैं, आप अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, आप अपने आप को उस चीज में नहीं झोंकते हैं जहां से आपकी करियर बन सकती है, जहां से आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तो आप अपने जीवन में क्या ही कर सकते हैं। जिसको अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत ना हो, जिसको जिसको अपने काम पे जब बैठे तो उसको ऐसा लगे कि मैं यार मन ही नहीं करना है करने को, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इंसान तभी आगे बढ़ेगा जो करता है उसमें अपना 100% नहीं बल्कि 1000% डाल दे, उसमें उसको दो दिन खाना ना खाना पड़े फिर भी वो ना खाकर उसमें काम करते रहे, कभी उस चीज से उसको पैसे की अपेक्षा ना हो, उसको पैसा भी ना मिले तो वो काम खुशी खुशी करे। इंसान उसी काम में सफल हो सकता है और उसी काम से वो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। आज अगर मेरा तबीयत खराब हो जाए, आज मेरे भाई का तबीयत खराब हो जाए, आज मेरे परिवार का तबीयत खराब हो जाए, इलाज करवाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगा, कहां से आएगा? उसका एक ही सोल्यूशन है, कमाना पड़ेगा। अगर लड़का हो तुम तो तुमको कमाना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं कमाओगे तो समाज में ना आपको इज्जत मिलने वाली है, ना ही आपको कोई प्यार करने वाला है, बल्कि ताने से लोग स्वागत करेंगे आपका। हर रोज कुछ ना कुछ आपके मन में, समाज में कुछ ना कुछ चलते रहेगा जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहोगे। और यह बात याद रखिएगा लो दोस्तों, 2024 में बस आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है। अगर आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं तो स्वस्थ रहिएगा तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ अच्छा होंगे। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहिएगा तो ना ही पैसा कमा सकते हैं, ना ही कुछ आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ एक्शन ले सकते हैं, ना ही आप अपने IQ लेवल को बढ़ा सकते हैं। आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2023 में आपने जो जो गलतियाँ की है वो हर चीज़ को सुधारना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपने कुछ गलती की है और आपने जो सोचा था जो नहीं हुआ 2023 में, उसको 2024 में हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर आप 2024 को भी खो दीजिएगा और आप अपने जीवन में बस एक चीज से रिश्ता बना के रखिएगा, वो रिश्ता होगा पछतावा, और पछतावा के अलावा आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। इसीलिए पछतावा कम और आपके लाइफ में अचीवमेंट ज़्यादा होना चाहिए। आपके लाइफ में इतनी अचीवमेंट होनी चाहिए कि पछतावा कभी फील ही ना हो कि मैंने कोई चीज़ पाया नहीं है। आप अपने शौक जो है उसको पूरा कीजिए, कमाइए। आप अपने शौक को, अपने मन को, आपका मन कहता है कि मुझे ये करना है तो आपको करना है। अपने आप को कभी दुख नहीं देना है, अपने आप से मेहनत करवाना है, अपने हाथ से मेहनत करना है, अपने बॉडी से मेहनत करनी है, अपने दिमाग से मेहनत करनी है, लेकिन अपने आप को कभी दुख नहीं पहुंचाना है। दुनिया लाख गलती कर दे, दुनिया लाख गाली आपको दे दे, लेकिन अपने आप को कभी गाली नहीं देना है। अपने आप को हमेशा प्यार देना है, अपने आप से मतलब वो अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन से इतना ज़्यादा प्यार करना है कि ऐसा महसूस हो कि यार मैं कुछ हूँ, आप कुछ हो। तो ये बात हमेशा याद रखना है। बाकी 2023 आपका कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा लो कि 2023 में आपने क्या क्या पाया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पाई है 2023 में। 2024 के स्टार्टिंग में जो वीडियो अपलोड होगा उसमें बताया जाएगा कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या पाया है, और मैं और मेरा भाई सचिन, हम दोनों मिलकर 2023 को कैसे खूबसूरत बनाया है लो, और जो दुख दर्द था उसको कैसे हैंडल किया है लो, और 2024 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो हर एक चीज़ को। बाकी वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि वेडिंग का सीजन चल रहा था और हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी में बिजी थे। बाकी अब रेगुलर बेसिस पे कंटेंट आते रहेगा, और आप लोग से बस यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो 45,000 सब्सक्राइबर हैं, ये जो हमारा परिवार है, इसको जल्द से जल्द 1 मिलियन के पास पहुंचाया जाए। और बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा पॉडकास्ट है, बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोज़ है, बहुत सारा लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के सामने लाकर रखना है। उम्मीद करता हूं कि 2024 आपके जीवन के लिए बहुत खूबसूरत साल बने, और मेरे जीवन के लिए और उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए मैं दुआएँ करता हूँ और आप जिनके लिए दुआ करते हैं, उन सारे लोगों के लिए 2024 बहुत खूबसूरत हो। और वीडियो जो जो देख रहे हैं और जो जो देखने वाले हैं, उन सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर फ्यूचर। और आप सबके परिवार के लिए विशिंग यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और अब मिलेंगे फिर डायरेक्टली हैप्पी न्यू ईयर में 2024 में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पिकनिक के दिन कुछ अच्छा खाइएगा, ना ही कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ खाइए जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो जाए, आपका हेल्थ खराब हो जाए। तो आप अपने आप का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, अगर माँ बाप नहीं है तो फिर जीवन में कुछ नहीं है।